हेलो लर्नर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा रेंट, फेयर और फ्रेट में डिफरेंस। इन तीनों वर्ड का एक ही मतलब होता है, जो है किराया। तो उस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वर्ड है रेंट। रेंट का मतलब होता है किराया। किसी मकान या किसी दुकान के किराए को बोलते हैं रेंट। किसी मकान या किसी दुकान के किराए को बोलते हैं रेंट। लेट्स मेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाउ मच रेंट डू यू हैव टू पे। हाउ मच रेंट डू यू हैव टू पे, यानी आपको कितना किराया देना पड़ता है। यहाँ पर मैं किसी मकान के किराए की बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर रेंट का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ बढ़ते हमारे अगले वर्ड की तरफ। और नेक्स्ट वर्ड इज फेयर। फेयर का मतलब भी होता है किराया, पर कौन सा किराया? गाड़ी के किराए को बोलते हैं फेयर। चाहे वो बस का किराया हो, चाहे वो कार का किराया हो, चाहे वो किसी टैक्सी का किराया हो, चाहे वो एयरप्लेन का किराया हो, सबको बोलते हैं फेयर। लेट्स मेक एन एग्जाम्पल टू मेक इट क्लियर। रिक्शा फेयर इज़ नॉट डैट एक्सपेंसिव। रिक्शा फेयर इज़ नॉट डैट एक्सपेंसिव, यानी कि रिक्शे का किराया इतना महंगा नहीं होता है। हमारा अगला वर्ड है फ्रेट। फ्रेट का मतलब भी होता है किराया, पर किसी गाड़ी में सामान के किराए को बोलते हैं फ्रेट। फ्रेट मतलब सामान का किराया। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। द फ्रेट टर्न आउट टू बी क्वाइट चीप। द फ्रेट टर्न आउट टू बी क्वाइट चीप, यानी किराया काफ़ी कम निकला। किराया इतना ज़्यादा भी नहीं था, हमें कम किराया देना पड़ा। वेल लर्नर्स, आई एम डैम श्योर आपको उन तीनों वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।